आवाज आ रही सर नहीं, थोड़ा क्या? ब्रेक हेलो, हो रहा है। आवाज आ रही सर क्या? ठीक सर, सुनील ठीक सर, सर, आप ओके हमें सर। कोहोस्ट करना। यस सर, यस। तो सभी लीडर्स स्क्रीन पे बने रहेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हम लोग लाइव पेट्रोल भी देखेंगे लास्ट में। अभी हम सभी लोग जानकारी ले रहे हैं कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, प्रोफाइल। अभी सर ने लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा किया है कि हमारे 6 से 7 अंक का स्पॉन्सर कोड होता है जिसको हम यहाँ पे डाल लेना है, जिसके साथ आप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको इस जूम सेशन में आने का मौका मिला है, उनका यहाँ से 6 से 7 8 अंक का स्पॉन्सर कोड लेकर के और यहाँ पे डाल लेना है, और उसके बाद अपना नाम, ईमेल, एड्रेस, पिन कोड ये सही से भर लेना है। इसमें जो जरूरी है वो ये है, ईमेल बिल्कुल सही डालना है, ये बात ध्यान रहे, जरा सा भी फॉल्ट ना हो पाए, क्योंकि ईमेल आप अगर गलत हो गया तो आप कभी भी कोई इशू आने पे कंपनी को मेल कैसे कर पाएंगे। जहाँ एड्रेस लिखा है यहाँ पे सिर्फ अपने विलेज का नाम लिख देंगे, इतना सफिशियंट है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पे देखिएगा, पिन कोड हमारा हो गया, सिटी और स्टेट ये डाल करके यहाँ सबमिट करेंगे और आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम बिजनेस की शुरुआत, बिजनेस एसोसिएट लाइफ टाइम के लिए बनेंगे कैसे? वन टाइम 500 बिजनेस वॉल्यूम एक बार करना होता है या इससे ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेकर के लाइफ टाइम के लिए हम कंपनी के साथ बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। साथियों यूटैग में आप देखना, यूटैक के अपने खुद के ब्रांड के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आ चुके हैं, बैलेंस का भी प्रोडक्ट है जो आ गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेते हुए 500 बिजनेस वॉल्यूम करके लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट यहां से बन जाएंगे। ये हमारी अफिलिएट सर्विसेज। यहां से साथियों लगभग 12 से ज्यादा प्रकार के इनकम हम कर पाते हैं जब आप बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, बिजनेस शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे आप रैंक अचीव करते हैं वैसे वैसे टाइप ऑफ इनकम बढ़ के आती है। जो पूरा बिजनेस है, पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट काम करता है एक सिद्धांत पे, और वो सिद्धांत है लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट। साथियों बिजनेस शुरुआत करते ही हमें सबसे पहले बिजनेस की जानकारी लेना है, कंपनी के प्रोफाइल, सीएमडी, एमडी, इनकम सीखना है। सबसे पहले बिजनेस के तरीके को सीखना है, यूएसपी पूरा याद कर लेना है, सीखना है। और सीखने के लिए यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग सुबह और शाम होता ही है, फिर अपने लोगों की मदद करना, उन्हें भी सिखाना है, और बस यही डुप्लीकेट करने से बहुत बड़ी इनकम साथियों यहाँ पे जनरेट होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी है और आपके मोबाइल फोन में भी 200, 400, 500 कांटेक्ट नंबर होंगे। उनमें से अगर 5 व्यक्ति भी आपके बातों पर यकीन करते हैं और फिर यही डुप्लीकेशन नीचे हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे अर्निंग तो वैसे 20 लेवल तक आ रहा है, 1 लेवल से लेके 20 लेवल तक, लेकिन जो हमने इस पेज में आपको दिखाया वो केवल 10 ही लेवल तक का है। अगर 1 लेवल से लेके 10 लेवल तक सिर्फ 5 5 की डुप्लीकेशन कराया जाए तो जो इनकम आता है दोस्तों वो 6.1 करोड़ की इनकम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है मैथमेटिक्स, गणित कह रहा है। और गणित ये भी कहता है कि भाई 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 ही होगा, 25 गुणे 5 करेंगे तो 125 ही आएगा, ये मैथमेटिक्स कहता है सर। तो अगर टोटल कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो 6.1 करोड़ से ज्यादा का इनकम है तब जब आप 5 को ही बिजनेस के बारे में 5 लीडर ही लेकर के आते।
कोई जरूरी नहीं 5, आप यहाँ 15 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। और अगर आप तब डुप्लीकेट करेंगे 10 लेवल तक का, तो आप खुद से एक बार अपने कैलकुलेटर से जरूर 10 और 15 का गुणा करके देखना कि कितनी बड़ी इनकम यहाँ से आ रहा है। साथियों, 5-5 के डुप्लीकेशन पे अगर एक लेवल से लेकर 10 लेवल तक डुप्लीकेट करके अगर 100% कर लिया जाए तो 6.1 करोड़ की इनकम, अगर 10% भी सफलता मिलती है ये डुप्लीकेशन करने में, तो 61 लाख की इनकम। अगर 1% भी आप सफल हो पाए ये डुप्लीकेशन करने में, तो 6.1 लाख से ज्यादा का इनकम। ये तब था जब 10 लेवल तक का इनकम हम लोग कैलकुलेट किए। लेकिन क्या 10 लेवल तक इनकम आना है? क्या 10 लेवल तक टीम बनेगा? 11 लेवल में भी तो टीम जाएगा ना, 12 लेवल में भी तो टीम जाएगा। और ऐसे करते करते अगर 20 लेवल तक का आप टीम का, तो मैथमेटिक्स से अपने गुणा भाग करके निकालिएगा कि कितना इनकम आता है, आप खुद कैलकुलेटर करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। साथियों, यहाँ पे कोई पैर मैचिंग नहीं करना है, और आप डायरेक्ट में जितनी चाहे उतनी डायरेक्ट लाइनें आप खोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर 15 लोगों को हम बिजनेस के बारे में बताने में सफल हो जाते हैं, आप 15 लोगों को भी बिजनेस के बारे में जैसे बताते हैं 15 लोग, तो आपकी टीम से, आपके ग्रुप से 1% एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है। और इस इनकम का नाम है टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम। इतना ही नहीं, जैसे लेबर वन में आपने 15 लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो कंपनी के अंदर आपका पहला रैंक ब्रॉन्ज भी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप 50 लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं अपने लेवल वन के अंदर, तो 1% और एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है। 1% तो यहाँ 15 करने पे आ ही रहा था, और जैसे आपने 50 किया तो 1% और आपको एक्स्ट्रा आने लगा, यानी टोटल आप जोड़ेंगे तो 2% एक्स्ट्रा हो गया। यह रहा आपकी टीम से, यानी आपके ग्रुप से। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, आप कंपनी की टर्नओवर की भी रॉयल्टी ले पाएंगे 50 डायरेक्ट करने के बाद। जब कभी भी आप 10 दिन के अंदर 10 आईडी लगाते हैं, तो कंपनी के टर्नओवर का 1% आएगा। 10 दिन का कंपनी के टर्नओवर का 1% आपको आने वाला है। ये बिग अमाउंट होता है माय डियर फ्रेंड। अभी पिछले माय डियर फ्रेंड, पिछले महीना 21 से लेके 31 तक का लगभग 27 अचीवर रहे, और 11 से लेके 20 तक का भी लगभग 26-27 अचीवर रहे, और 1 से लेके 10 तक का भी लगभग 25 से ज्यादा अचीवर रहे। साथियों, कंपनी में कुछ रैंक भी हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, इस टाइप से कुछ रैंक है। टोटल 10 रैंक है, जहां पे आपका पहला रैंक ब्रॉन्ज है, दूसरा रैंक सिल्वर है, तीसरा रैंक गोल्ड है, चौथा रैंक प्लेटिनम है, पांचवा रैंक डायमंड। ब्रॉन्ज बनने के लिए हमें लेवल वन के अंदर 15 लोगों का टीम बनाना है या 7500 बिजनेस वॉल्यूम, तो रैंक ब्रॉन्ज हो जाएगा। लेवल टू के अंदर अगर आपने 75 लोगों का टीम तैयार कर दिया या 5 ब्रॉन्ज के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, तो रैंक सिल्वर हो जाएगा। गोल्ड बनने के लिए 5 सिल्वर के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 3 में करना होता है। प्लेटिनम रैंक अचीव करने के लिए 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 4 में, जबकि डायमंड बनने के लिए 5 प्लेटिनम के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 5 में। ये तो हो गया रैंक लेने का तरीका। नेक्स्ट, रैंक लेंगे तो मिलेगा क्या? ब्रॉन्ज बनेंगे तो 200 रुपए का यहाँ पे गिफ्ट रिवार्ड कंपनी के तरफ से मिलने वाला है, 200 रुपए का गिफ्ट। और अगर आपने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया तो 1% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आने लगेगा डेली, और 5% भी कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आएगा मंथली। ये जो 5% है, ये है रिटेल के ऊपर। इसके साथ में जैसे ही आप गोल्ड बनते हैं, तो गोल्ड बनने पे 1.5% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली, और 6% कंपनी के टर्नओवर की रिटेल पे 6% मंथली 5 तारीख को। अगर प्लेटिनम रैंक आप अचीव करते हैं कंपनी में, तो 1.75% ये डेली आने वाला है, और उसके साथ में 5% भी
रिटेल के ऊपर आने वाला है मंथली मोड पे 5 तारीख को। टोटल अगर आप जोड़ेंगे रैंक के अंदर तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे 10% है जो कंपनी अपने टर्नओवर की रॉयल्टी दे रहा है डेली। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने टोटल 29% रिटेल के ऊपर निकाला है और ये रॉयल्टी इनकम आना है मंथली। ये है रिटेल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसपे बिजनेस वॉल्यूम होता है ना सर, उस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल इनकम के माध्यम से टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस लेवल के अंदर सपोज दैट किसी ने 1000 VV का कोई भी हमारा बिजनेस एसोसिएट पार्टनर प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो जिसने 1000 VV का प्रोडक्ट ऑर्डर किया उनको खुद को 5% चला जाएगा और 25% 1000 VV का 25% 250 VV हो जाएगा और इन 250 VV इस टीम में 20 लेवल में बटने वाला है, अलग अलग लेवल में अलग अलग परसेंटेज। इसके साथ में देखना 25 और 5 दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा सर, 30%। ये हो गया आपका टीम में डिस्ट्रीब्यूट और 29% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी जो भी हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, 15% ऑफर में जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम कम्बो या 10000 बिजनेस वॉल्यूम कम्बो प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें कंपनी कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करवाएगी और 5% रिवार्ड के रूप में भी जाने वाला। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया लगभग 79% और प्लस ब्रॉन्ज को भी जा रहा है, 200 रुपया जा रहा है ना ब्रॉन्ज को, तो अगर टोटल आप जोड़ेंगे तो लगभग 80% पैसा कंपनी रिटेल पे भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये हो गया माय डियर फ्रेंड रैंक और फंड। रिटेल पे भी कंपनी ने टैबलेट, मोबाइल, बाइक, कार और हाउस रिवार्ड फंड रखा हुआ है। 1% कंपनी अपने टर्नओवर का 5 तारीख को देने वाली है रिटेल पे। इसके साथ में जो हमारा बिजनेस एसोसिएट बनते हैं वहां से जो टर्नओवर आने वाला है वहां से भी माय डियर फ्रेंड ये आपने को फंड मिलेगा। यानी यूं कह ले कि अगर कोई भी साथी सिल्वर रैंक को अचीव करते हैं तो उनको 5000 रुपया कंपनी देने वाली है टैबलेट रिवार्ड फंड के रूप में और ये पेमेंट मंथली मोड पे आता रहेगा। रॉयल्टी तो आएगा ही 1% जो है डेली और 5% मंथली मोड पे। हमसे कोई भी साथी अगर गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो उन्हें 21000 रुपया मोबाइल रिवार्ड फंड और उसके साथ में 1.5% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली और 6% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम मंथली गोल्ड रैंक अचीव करने को। इसके साथ में दोस्तों एक मिनट रुकिएगा सर, ये क्या हो रहा है, एक मिनट आप सभी रुकिएगा सर जी प्लीज। तो हम चर्चा कर रहे थे माय डियर फ्रेंड कि हम ऐसे अगर कोई भी लीडर्स प्लेटिनम रैंक को अचीव करेंगे तो कंपनी जो है एक बार जो अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंदर फ्लाइट से बुलाया जाएगा। प्लेटिनम रैंक को अगर अचीव कर लेते हैं तो जो भी कंपनी के अंदर प्लेटिनम रैंक अचीवर रहेंगे उन्हें कंपनी फ्लाइट के माध्यम से एनिवर्सरी प्रोग्राम में बुलाने वाली है। साथ में 1.75% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी डेली और 5% मंथली। इसके साथ जब आप प्लेटिनम रैंक को अचीव कर लेते हैं तो बाइक रिवार्ड फंड 1.5 लाख रुपया 1,50,000 रुपया मिलने वाला है मंथली मोड पे। जैसे ही आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं साथियों
डायमंड रैंक को जैसे ही आप अचीव करते हैं तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आज एक कार रिवार्ड फंड मिलने वाला है डायमंड रैंक अचीव करते ही, और इसके साथ में 3% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम मंथली, और जबकि 2% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली। इसके साथ में जो भी साथी डायमंड के बाद वाला रैंक अचीव करेंगे तो उन्हें 21 लाख रुपया एज ए हाउस रिवार्ड फंड मिलने वाला है मंथली अमाउंट पे। साथियों अगर कोई भी डायमंड रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी उन्हें एक बार विदेश जाने का भी मौका देगी, मतलब आप सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेश भी घूमने का मौका मिलेगा, कंपनी के माध्यम से विदेश भी घूमेंगे। साथियों यूटेक की तरफ से कई बार अपने इंडिया में घूमने के लिए ऑफर आया है, अभी पिछली बार कुल्लू मनाली जो है काफी लीडर्स ने एंजॉय किया, उससे पिछली बार जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, लगातार कंपनी प्रोग्राम रख रही है। अभी कटनी, मध्य प्रदेश में भी प्रोग्राम होने वाला है अगले महीना 10 सितंबर को, कटनी मध्य प्रदेश में प्रोग्राम होने वाला है, और फिर उसके अगले महीना अक्टूबर में 8 अक्टूबर को लखनऊ में भी प्रोग्राम होने वाला है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कर रही है और हम सबको घूमने का मौका मिल रहा है आप सबको, और अब इंडिया ही नहीं विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। अगर आपने डायमंड रैंक अचीव कर लिया तो अपना पासपोर्ट बनवा लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, पूरे कंपनी के अंदर जितने भी यूजर्स काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, उनमें से 50 ऐसे लोगों का सिलेक्ट करने वाली है जिनका एक लेवल से लेकर 20 लेवल तक, यानी 20 लेवल का बिजनेस टर्नओवर सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे 50 लोगों को कंपनी सेलेक्ट करके और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेस्टिक ट्रिप देने वाली है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, बहुत आसान है। बिजनेस का स्टार्टअप करते ही, शुरुआत करते ही 40 से 50 लोगों का लिस्ट तैयार करना है और उन्हें जूम ऐप के बारे में बताना है। जो भी साथी आपके साथ बिजनेस में आते जाएं उन्हें भी यही कहना है। अब अगर हर लीडर को वाकई सफलता, सच में इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 3 महीने तक लगातार सुबह और शाम ट्रेनिंग और मीटिंग में आते रहना। साथियों अब हम सभी लोग आप सबके बीच में जो है एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे आप सबके बीच में जो प्लेटिनम रैंक पे हैं, और आज सर का हम लोग देखेंगे लाइव विड्रॉल। आज से हमारी और आपकी की तरह सबने बिजनेस प्लान को देखा और बिजनेस शुरुआत किया, और आज सर का इनकम क्या रहा है, और अभी सर ने हाल ही में विड्रॉल लगाया था, आज फिर विड्रॉल लगाने वाले। सामान्य कृष्णा सर आपका स्वागत है, आइए सर और हम सभी साथियों के बीच में लाइव विड्रॉल करके दिखाइए। सो प्लीज वेलकम, कैरी ऑन कृष्णा सर। थैंक यू श्रीमान डायमंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे अपलाइन गुरु, इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम कृष्णा सिंह प्रजापति और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे डायमंड सर ने बताया, कुछ दिन पहले मैंने ये बिजनेस आपकी तरह ही वेबिनार में आया, सिस्टम को समझा और स्टार्टअप किया था ओनली 500 बिजनेस वॉल्यूम से, और जो अभी आप सर ने प्लान दिया था रिगार्डिंग, इस प्लान को पूरा समझा देखा, उसके अंदर मेरे को सबसे अच्छा लगा था इसके अंदर फैमिली फैसिलिटी जो ब्रॉन्ज बनते ही किसी भी कंपनी में कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पे सबसे अच्छा मेरे को लगा। उसके बाद मेरे को लगा इंस्टेंट पेमेंट, जैसे ही हम किसी का आईडी लगाते हैं उसका तुरंत इंस्टेंट पेमेंट आता है और तुरंत इंस्टेंट अपने बैंक में ले जा सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने विड्रॉल, तुरंत विड्रॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ मेरा जर्नी है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। यह है यूटेक बिजनेस, इसको जैसे टच करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा पासबुक, ये पासबुक है, पासबुक को टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी साथी फेसबुक व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो अपना स्क्रीन पे आ जाएं। स्क्रीन पे आ जाएं, यह है आज का डेट, और से वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सुबह से लेके अभी तक का कितना इनकम आया आपके सामने से होगा, ये देखिए सुबह से अभी तक का इनकम। लाजवाब सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर, सुबह से अब तक।
अब देख लेते हैं कल 1 तारीख था, कल 1 तारीख का भी देख लेते हैं कि कल 1 तारीख को कितना इनकम आया था। ये देखिए कल का इनकम। सुपर सर, सुपर सर। अब देख लेते हैं पिछले मंथ का यानी अगस्त मंथ का टोटल इनकम कितना हुआ है। अगस्त मंथ का इनकम देख लेते हैं। ये है अगस्त मंथ। अमेजिंग लाजवाब सर, क्या बात है सर, रिकॉर्ड ब्रेक इनकम सर, 92,000 से ज्यादा। वाओ, ओनली 590 रुपए लगाने का गलती किया था एक बार, उसी दिन लिया था 590 रुपए लगाने का गलती किया था, उसी की बदौलत ये है। देखिए 92,000 से प्लस। अब देख लेते हैं विड्रॉल अमाउंट कितना है। अभी आपके सामने देखिए विड्रॉल अमाउंट है 10,000 से प्लस है अभी। अब आपके सामने जिसको रिकॉर्डिंग करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन पे आ जाइए। मैं अमाउंट डालता हूँ 10,000। बेस्ट है। अब प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, अंडर मेंटेन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे। यस सर बाद में कर लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। कंटिन्यू कैरी ऑन करें सर। थैंक यू वेरी मच सामान्य सर। तो दोस्तों देखिए सर, अभी 10,000 रुपया सर के वैलेट में हो गया है। अभी हाल ही में सर ने विड्रॉल करके दिखाया भी था। साथियों फटाफट स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा। ये देखना सर, ये यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है जिसको हम ओपन करके आप सबको दिखाने वाले हैं। पासबुक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ से हम लोग इनकम देख पाते हैं कि इनकम कैसे आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ इनकम देख पाएंगे पिछले महीने का 1 तारीख से लेकर के आज तक का यहाँ सर्च हो गया है। अब मैं दोबारा रिसर्च कर दूंगा क्योंकि ये इनकम हो गया 31 और 2, 33 दिन का इनकम शो करके आएगा। प्लीज वेट चल रहा है, बैक करेंगे तो बैक भी नहीं होगा, थोड़ा देख ही लेते हैं। 33 दिन का इनकम, $834,000। माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त सर। इस बार डेट सही से डाला गया है, जल्दबाजी में पिछली बार इधर का डेट हम लोग डालना भूल गए, तो इधर 2 डाला था, 2 का इंक्लूडेड इनकम दिखाया है। पिछले महीने लगभग 7,000-67,000 के नियर अबाउट इनकम रहा है। यहाँ सर्च होकर के भी आ जाएगा, ये देखिएगा 7,67,000। क्या बात है सर, 7,67,000 जबरदस्त। इतनी बड़ी इनकम लेने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब आप आज ही बिजनेस शुरुआत करेंगे और आज से ही लाखों में आने लगेगा। ये बिजनेस है, एक प्रोसेस है। माय डियर फ्रेंड, मुझे 2 साल हो गया इस बिजनेस की शुरुआत किए हुए और ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट पे आउट है विद इन 1 मंथ। और इतना पे आउट अभी महंगाई के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई की जो अभी प्रेजेंट में जो इनकम चाहिए सन 2025 में जो करंट में इनकम चाहिए वो लगभग कितना चाहिए सर? 5 लाख। सन 2020 में 1 लाख, 2.5 लाख चाहिए। तो सन 2040 में कितना हो जाएगा सर? 10 लाख। 30 में कितना रहेगा? 5 लाख, यानी 2.5 लाख करंट के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई के रेशियो को टच करने के लिए लगभग 2.5 लाख से प्लस अमाउंट चाहिए सन 2025 में। सन 2025 में जो भी साथी यहाँ पे 2.5 लाख रुपया महीने का अर्निंग करेंगे वो महंगाई के रेशियो को पार कर चुके होंगे, मतलब वो जिंदगी काटेंगे नहीं, जिंदगी जी पाएंगे, हर जरूरत की चीजें ले पाएंगे, कोई भी चीज बहुत महंगी नहीं दिखाई देगी। और अभी चल रहा है सन 2023, सन 2023 में ही यहाँ 6 से 7 लाख रुपए इनकम आ रहा है। देख पा रहे हैं ये यूटेक की ताकत है माय डियर फ्रेंड। और आप में से जो भी लीडर्स, ये मिशन अपना टारगेट बना लीजिए कि सन 2025 तक हर हाल में अपने को डायमंड बनना है बस। और डायमंड रैंक पे आप आने के बाद माय डियर फ्रेंड
जो रॉयल्टी है, जो रिवार्ड है, सब मिला के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया महीने का इनकम आना तय है। अभी क्या मेरा टीम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए इनकम थोड़ा बड़ा अमाउंट में आता है। साथियों सवाल यह है कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैसे, 500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे कहाँ से, यह है शॉपिंग का ऑप्शन। और इसमें सर्विस भी मिलेगा, ईबुक भी मिलेगा और इसमें प्रोडक्ट भी मिलेगा। कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट इस शॉपिंग वाले ऑप्शन से लेकर के 500 बिजनेस वॉल्यूम का या इससे ज्यादा का प्रोडक्ट लेना होता है। वन टाइम लेकर के आप लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन जाएंगे। तो पहला जरूरी हो गया हमारे लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम करना। और क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? और चाहिए आपके पास पैन कार्ड, क्योंकि आप भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आप कोई भी बिजनेस लीगल, अगर बिजनेस आप कोई भी करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई भी हो, तो उसके लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना जरूरी है। तो यूटेक क्या है? एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिजनेस आप तभी शुरुआत कर पाएंगे जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि यूटेक एक लीगल प्लेटफॉर्म है। 500 बिजनेस वॉल्यूम और पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना चाहिए इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, जो उम्मीद है आपके पास तीनों होगा। अब बिजनेस एसोसिएट आप बन गए, सर्विसेज कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे सर्विस, यूटेक सर्विस लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है रिचार्ज और बिल के नाम से। इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको आप ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आप यहाँ से एड मनी कर पाएंगे। यह है एड मनी का ऑप्शन साथियों, यहाँ से एड मनी हम कर सकते हैं। एड मनी करना बिल्कुल आसान है। एड मनी पे आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे। सपोज दैट आपको 600 रुपए का एड मनी करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 600 अमाउंट डालेंगे। 700 एड मनी करना है, 1000 एड मनी करना है, यहाँ पे 50 रुपए से लेके आप 5000 तक एक बार में एड मनी कर पाएंगे। 50 रुपए से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 5000। देखना सर मैंने 600 अमाउंट डाल दिया, प्रोसीड करूंगा एड मनी के लिए, तो यहाँ से आप देखना यूपीआई का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप एड मनी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैंसिल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और अगर एड मनी करना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा। मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, देखना यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ ऊपर वाला दबा लेते हैं, ऊपर वाला क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर दिया ऊपर वाला, यहाँ डाल देंगे यूपीआई आईडी जो भी आपका है। जो भी आपका यूपीआई आईडी है आपने डाल दिया, मान लीजिए आपने फोन पे का यूपीआई आईडी डाल दिया, या गूगल पे का डाल दिया है, या पेटीएम का डाल दिया है, प्रोसीड करेंगे, ये डायरेक्टली आपका यूपीआई ऑप्शन यहाँ ओपन होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी यूपीआई आपके डिवाइस में चल रहा। अगर कोई आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा। एक भी अगर यूपीआई चलाते हैं तो एक ही ऑप्शन आएगा, दो चलाते हैं दो आएगा। मेरे में इतना सारा है इसलिए सब आ गया है। हमने फोन पे का यूपीआई आईडी डाला था, इसलिए हम फोन पे वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। मुझे एड मनी करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे वैलेट में लगभग 32000 रुपया है। कोई एड मनी करने का हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम एड मनी आपको सिर्फ करने के लिए दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। यस, अब यहां से प्रोसीड करेंगे और फिर आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन आप जैसे डालेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे देखना सर पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से। और फिर वो पैसा कहाँ से होगा? जो भी आप एड मनी करेंगे यहाँ से वो पैसा पासबुक के अंदर शो होने लगता है। अब ये बात ध्यान रहे कि आप और हम अभी यूपीआई से एड मनी कर रहे हैं और यूपीआई है मैनुअली। कंपनी पेमेंट हमारा चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और हो सकता है इसमें 10-15 मिनट या आधा घंटा का समय लग जाए यहाँ पासबुक में आने में, आपके वैलेट में आने में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1-2 घंटे का, फिर आप यहाँ से आप रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या अदर कोई भी सर्विस आप यूज कर पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए अपने को रिचार्ज करना है तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पे यहाँ टच करेंगे। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे ऑपरेटर जो भी हमारा वोडाफोन है या जियो है या एयरटेल है, या ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा। कहाँ पे सर्च होके आ जाएगा सर? ऑपरेटर में। और फिर सर्किल में
आप जो है हम लोग ये डाल लेंगे, जैसे ऑपरेटर में इतना सारा हो गया और सर्किल में आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक, है ना, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल, वेस्ट बंगाल, ये सब, उत्तर प्रदेश, ईस्ट, है ना, ये सब पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सर्किल में डाल लेंगे, फिर अमाउंट नहीं भरना, अमाउंट यहाँ अपने मन से नहीं डालना, बिना ब्राउज प्लान देखे पहले ब्राउज प्लान देख लीजिए, जो आपको पसंद आए वो रिचार्ज करिए, या तो आपको पता हो। कई बार क्या, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं 149 का रिचार्ज, अब 149 का इसमें ब्राउज प्लान में है ही नहीं, यस, अब रिचार्ज महंगा हो रहा है ना धीरे धीरे धीरे। अभी तो 5G आ गया है, आने वाले दिन में सब 6G आएगा, फिर 7G आएगा, तब रिचार्ज ये 200-250 में नहीं होगा, हजार हजार रुपए का, 5-5 हजार रुपए का एक एक महीने का रिचार्ज होगा। वो महंगाई का दौर आएगा सन 2030 और सन 2040 में, आप देखना। यही रिचार्ज एक महीने का अनलिमिटेड करवाने के लिए 1000 रुपए आप लगाएंगे सर, तब एक महीने का अनलिमिटेड होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से देखना साथियों, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। अब बारी है डीटीएच रिचार्ज करने की। डीटीएच रिचार्ज यहाँ से आप टच करेंगे और आप अपना डीटीएच रिचार्ज भी आप कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, कई बार कैशबैक तुरंत आ जाता है, कई बार 2-4 मिनट बाद कैशबैक आता है, यहाँ से वो दिखाई देता है। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर ये देखना सर, आज मैंने 4:24, 4:26, 4:27 तीन बार हमने रिचार्ज किया, 155 का दूसरे नंबर पे एयरटेल पे, और 155 का हमने रिचार्ज किया वोडाफोन पे, और 155 का ही रिचार्ज किया हमने वोडाफोन पे। तीन बार हमने रिचार्ज किया अलग अलग सिम पे, अलग अलग नंबर पे, तीनों बार हमारा रिचार्ज यहाँ पे तो पेंडिंग लिख के आ गया, लेकिन उधर जब मैंने उससे फोन करके पूछा कि भाई आपका रिचार्ज हो गया क्या, तो बोले हाँ मेरा तो रिचार्ज हो गया। अच्छा, अब ये रिचार्ज मैंने किया 4:27, 26 मिनट, आप देखना एक कैशबैक तो आ गया तुरंत, 4:27 पे हमने किया, 4:27 पे ही कैशबैक आ गया तुरंत, लेकिन एक कैशबैक हमारा आया 4:32 पे, दो कैशबैक हमारा आया ये वाला। तो हो सकता है कि कई बार 5-7 मिनट का समय लग जाए, उसके लिए आप वेट करना सर जी, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है एड मनी का और रिचार्ज का, उस वाले ऐप में रेफर का भी ऑप्शन आएगा, ये 100 पीस है केवल, यहां से रेफर नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। यहां से नहीं करेंगे तो करेंगे कहां से, बताता हूं सर। जो हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है ना, यूटेक बिजनेस का, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर रेफर का ऑप्शन आता है, यहां से आप रेफर करिए, जिसमें विड्रॉल का ऑप्शन लिखा रहता है ना, वहां से अपने को रेफर करना है। मान लीजिए अगर हमारा कोई भी साथी गूगल प्ले स्टोर पे अगर सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप यूटेक डाल के सर्च करेंगे सर, यहाँ दो ऐप आपको दिखाई पड़ेगा, दो ऐप, एक तो ये हो गया अपना यूटेक बिजनेस और दूसरा हो गया रिचार्ज बिल वाला। अगर किसी को आईडी बनाना है, विड्रॉल लगाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वैलेट टू वैलेट पैसा भेजना है, तो हमें यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, यही है। रिचार्ज और बिल और एड मनी करना है तब हमें ये सर्विस वाला ऐप डाउनलोड करना है। लेकिन कोई भी नया साथी का अगर आप आईडी बनवा रहे हैं, ग्रीन करवा रहे हैं, कोई भी नया न्यू मेंबर का, तो सबसे पहले आप यही ऐप डाउनलोड कराइए यूटेक बिजनेस, देन आफ्टर वो सर्विस वाले लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके वो अपना डाउनलोड कर लेंगे, यस। अब मान लीजिए किसी को ये चेक करना है कि आज पूरे कंपनी में कितने अचीवर निकले हैं, तो अचीवमेंट वाले ऑप्शन में जाकर के आप देख पाएंगे कि सर आज सुबह से लेकर के अभी तक का एक दिन में, सर आज का केवल आज क्यों, लगभग 17 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज रैंक को अचीव कर लिया। लगभग 17 से ज्यादा लोगों ने कंपनी में किस रैंक को अचीव कर लिया सर, ब्रॉन्ज रैंक को। अभी आज ही की बात चल रहा है ये, और मैं आपको बताऊं इस महीने के दो दिन में, कल और आज मिला के देखना सर, कल और आज मिला के आप देखना मेरे भाई, लगभग 3 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के अंदर सिल्वर रैंक को अचीव कर लिया है। अब जो लोग सिल्वर रैंक अचीव करते हैं उन्हें उन्हें क्या मिलता है सर, 5,000 टैबलेट रिवार्ड, 1% CTO डेली, 5% CTO मंथली मिलता है कि नहीं, यस सर।
अच्छा गोल्ड भी देख लीजिए, ये देखिए सर, तीन लोग तो गोल्ड अचीवर भी आ गए इसी महीने दो दिन के अंदर, तो रिकॉर्ड हो रहा है सर, सितंबर महीना रिकॉर्ड बन रहा है माय डियर फ्रेंड, ये देखना तीन तीन लोग गोल्ड अचीवर आ गए हैं दोस्तों। अच्छा आप गोल्ड रैंक अचीव करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 21,000 सर, वो हम लोग प्लान में समझ लिए हैं। यस ऑलरेडी हम सब लोगों ने प्लान में समझ लिया है, 6% सीटीओ मंथली, 1.5% सीटीओ डेली और 21,000 रुपए मोबाइल रिवार्ड फंड, ये गोल्ड रैंक पे मिलने वाला है। तो मेरे भाई फटाफट सिल्वर और गोल्ड ब्रॉन्ज रैंक आप निकालिए, अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर प्लानिंग करिए, टीम के साथ प्रॉपर प्लानिंग करिए। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी हम लोगों ने समझ लिया है, एक और विशेष जानकारी खास कर नए लोगों के लिए जिन्होंने भी हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्टअप किया है, ये ऑप्शन आप क्लिक कर करके देखा करिए दिन में दो तीन बार। आपके साथ अगर कोई भी आईडी लगा रहा है तो आपका लेवल वन में यहाँ टीम दिखाई देगा और उनके नीचे भी आप व्यू डिटेल क्लिक करके देख पाएंगे कि उनका टीम कितना बना है। ये है टीम ट्री व्यू, आपका नेटवर्क दिखाता है यहाँ से बिजनेस वॉल्यूम दिखाता है, जहां से आप प्रमोशन देख पाएंगे कि आपका प्रमोशन में कितना बिजनेस वॉल्यूम कम है, कितना हो चुका है। ये रहा दोस्तों आज कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, पूरा बिजनेस प्लान, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए, आईडी कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लाइव इनकम प्रूफ, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब जरूरत है माय डियर फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करने की, करना क्या है, तुरंत लगाइए फोन अपने अपलाइन को, जिनके भी माध्यम से आज आपको इस बिजनेस प्लान को देखने समझने का मौका मिला है उनके पास तुरंत फोन करिए, 6 से 7-8 अंक का स्पॉन्सर कोड लेकर के आज ही बिजनेस शुरुआत करिए दोस्तों, आज का आज और अभी का भी बिजनेस स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि कल सुबह के 7 बजे की मॉर्निंग की ट्रेनिंग में वो शामिल हो पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेशन चलता है, लेकिन इस ट्रेनिंग में वही लोग आ सकते हैं जो इस कंपनी के साथ बिजनेस एसोसिएट बन चुके हों। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, लगाइए अपने अपलाइन को। तो आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक, अब दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय टेक, मिलते हैं सुबह 7। कोई आपका अलादीन का चिराग नहीं, लेकिन एक बार आप शुरुआत करते हैं, एक बार अगर आपने यहाँ पे लग के मेहनत कर ली और 3 महीने तक लगातार आपने जूम में टेंडे, तो उसके बाद सारा काम इस प्लेटफॉर्म का है, ये सारा प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाता है। आपने वही नॉर्मल सा काम अपने मोबाइल को यूज करते हुए और शानदार तरीके से आपको इसमें शुरुआत करनी है। अब बस साथियों आपको यहाँ पे लग जाना है और मैं आपकी मदद कर पाया हूँ शानदार इस प्लेटफॉर्म की जो ताकत को आपके सामने रखने में। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और आज ही सभी लोग, आप जो भी साथी ने आज आपको इन्वाइट किया है, उनसे उनका स्पॉन्सर आईडी लेते हुए शानदार तरीके से अपनी शुरुआत करते हुए जल्दी से जल्दी अपनी इन आर्थिक बंदिशों को दूर करते हुए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक शानदार आपके सामने यूनिक जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आया है, इसमें शुरुआत कीजिए। और आप सभी के इस शानदार स्नेह के बीच में मैं आप सभी से अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा और माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी गोल्ड डायरेक्टर राजकुशल सर। अगर आप कंफर्ट है हमारे बीच में आए सर और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, साथियों सम्मानीय सर के माध्यम से आज हम सभी लोग ने इंडिया के नंबर वन बिजनेस प्लान के पूरे प्लान के बारे में जाने सीखे। साथियों सम्मानीय सर ने पहली स्लाइड में जो यूनिक सेलिंग पॉइंट बताया साथियों, वाकई में आज इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर यूनिक सेलिंग पॉइंट देखते ही बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर रहे, पलक झपकते तुरंत स्टार्ट कर रहे। जैसे पहली स्लाइड में साथियों पलक झपकते अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे कोई मेंटेनेंस की झंझट नहीं है, कोई कैपिंग मैचिंग नहीं है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है साथियों जहाँ पे एक आईडी एक्टिवेट करके तुरंत अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, 190 से लेके 2 लाख से प्लस एक बार में विड्रॉल कर सकते हैं। साथियों इतना जबरदस्त यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि आज टॉप मोस्ट लीडर ओनली यूनिक सेलिंग पॉइंट देखते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों आइए अगली कड़ी में हम सभी लोग के बीच कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय कृपा राम सर है, तो वेलकम है सम्मानीय सर, आए और अपने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किए थे जरूर हमारे सभी साथियों को 2-4 मिनट का समय दे, तो वेलकम है सम्मानीय सर। सम्मानीय कृपा, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच सम्मानीय राजकिशोर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पे बोलने का और ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से हमारे बहुत सारे साथी आज इस जूम वेबिनार में आकर के और यूटेक के पूरे बिजनेस प्लान को देख चुके हैं, समझ चुके हैं,
साथियों बस अब एक डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले जिस तरीके से आपने इस जूम वेबिनार में आकर के यूटेक के पूरे बिजनेस प्लान को देखा है और समझा है, ऐसे मैंने भी 2 साल पहले आकर के देखा और समझा, और देख करके दोस्तों मैंने डिसीजन लेने में देरी नहीं की, तत्काल मैंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा था, तो देखो हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ शुरू होती है। मेरी भी खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई थी। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 10+2+ ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, और पढ़ाई करने का एक ही मकसद था दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव सारे लोग एक ही चीज बोलते थे कि बेटा अगर अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे नंबर्स लेके आओगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी के प्रति ज्यादा इंडिकेशन दिया गया था, इसलिए दोस्तों मैं नौकरी के लिए मतलब पढ़ाई कर रहा था कि मुझे जिससे कि नौकरी मिल जाए। ग्रेजुएशन रनिंग में मेरा चल रहा था उस टाइम, मेरे घर की कंडीशन भी थोड़ा नाजुक हुई, और हाई स्कूल फाइनल करने के बाद बहुत सारे कंपटीशन के मैंने एग्जाम भी दिए, और एक ऐसा समय आया कि 2 बार कंपटीशन तो मैंने बीट कर लिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पिताजी ना तो भाई साहब डोनेशन दे पाए, ना उनका कोई सोर्स था। और डोनेशन क्यों नहीं दे पाए, उनका सोर्स क्यों नहीं था, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एज ए फार्मर एक किसान थे, और आप जानते हैं कि एक किसान का काम क्या होता है, सुबह खेतों में जाता है, पूरे दिन काम करता है, शाम को घर लौट के आता है। तो मेरे पिताजी जैसे तैसे मेहनत करके खेतों में काम करके हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट ग्रेजुएशन कर ही रहा था, जब घर की कंडीशन देखा कि अब आगे पैसे मुझे मिल नहीं पाएंगे पढ़ाई करने के, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे कोई जॉब करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एज भी मेरी 18+ हो चुकी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब जॉब करना चाहिए। मैंने अपने काफी मित्रों से संपर्क किया, जो हमारे गांव के हमारे और रिलेटिव के जो लोग बाहर में रहते थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि यार मेरा भी कोई काम दिलाओ, एक्चुअली मैं मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, कोई ऑफिशियल काम दिला दो। अब आप खुद ही सोच सकते हो दोस्त कि बाहर में कोई दिल्ली मुंबई पंजाब जैसे सिटी में जा करके और वहाँ पे 12 घंटे की हार्ड वर्क कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए ऑफिशियल काम कहाँ से खोज सकता है। तो मैं एक्चुअली में लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि शायद कोई दिला दे, तो कोई भी फ्रेंड मुझे जॉब नहीं दिला पाया। एक हमारे और फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़े थे इंटर तक, और उसके बाद वो लखनऊ हाई कोर्ट में आकर के एक वकील साहब के साथ काम कर रहे थे, एज ए क्लर्क का काम वो कर रहे थे, मुंशीगिरी कर रहे थे। उनसे भी संपर्क किया क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं, घर का कुछ कंडीशन उन्होंने सुधारा है, तो मैंने सोचा कि हाईकोर्ट में भी अगर काम मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कुछ भी यार मुझे भी यार काम दिलाओ यार अब, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर लो यार, अगर आना ही हाई कोर्ट के अंदर तो लॉ कंप्लीट करके आओ। लेकिन अब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे तो मैं कैसे वो लॉ कंप्लीट कर लूँ, तो मैंने काफी रिक्वेस्ट किया, तो खैर उन्होंने यस कर दिया। फिर मैं लखनऊ हाई कोर्ट में आया उनके साथ, और फिर उन्होंने काम वगैरह मुझे दिखाया, तो मेरे लिए बड़ा हार्ड लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नया काम था। मैंने पढ़ाई तो की थी, अब वो पढ़ाई थ्योरेटिकल जो मैंने पढ़ाई की थी बीएससी की थी वो अलग थी, और ये लॉ की मतलब नॉलेज अलग थी, कानूनी जानकारी मुझे कोई थी नहीं। तो इसलिए मुझे 1 महीना दोस्तों लगा वहां पे उनके साथ मुझे काम सीखने में, क्योंकि 1 महीना मैंने खूब लगन से खूब मेहनत से मैंने सीखने पे फोकस किया, तब 1 महीने में मैं सीख पाया कि क्लर्क का काम कैसे करना है। अब आप पूछिएगा दोस्तों, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि क्लर्क यानी मुंशी का काम करने के लिए भी मेरे को 1 महीना सीखना पड़ा। जब 1 महीने मैंने लगातार उनके साथ खूब मेहनत की, खूब फाइलें मैंने ढोई, कई सारे ऑफिस के सेक्शन वगैरह होते हैं उनमें जाने की कोशिश किया और खूब पढ़ने की कोशिश किया, तब जाके ये समझ में आया कुछ हद तक मैं 25% काम करने के काबिल बना। फिर उसी हाईकोर्ट में एक अच्छे लायर से मेरी बात करवा दिया हमारे उस मित्र ने, और उनके साथ फिर मैं काम करना शुरू कर दिया एज ए क्लर्क की पोस्ट पे, और उनके फिर ऑफिस चैम्बर में भी जाने लगा, और मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी एडीसी कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली में स्टोनों का काम उनके घर पे करने का मिल गया। तो एक तो हाईकोर्ट में क्लर्क का काम और साथ में उनके चैम्बर में स्टोनों का काम, ये दोनों काम करने से मेरे को 25 से 30 हजार रुपये महीने की इनकम होने लगी। दोस्तों जब मैं स्टडी कर रहा था, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो माइंड सेट जो था ना बस इतना ही था कि 25-30 हजार की जॉब मिल जाए, और उसी के लिए मैं ट्राई भी कर रहा था। मैं बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, सिर्फ वही 25-30 हजार नौकरी के लिए।
लेकिन जब 25-30 हजार हाईकोर्ट में काम करने के दौरान मुझे आने लगे, तब भी मैं देखा कि यार जिंदगी तो मस्त चल ही नहीं पा रही है। हाँ कुछ खाली थोड़ा सा ये हो पाया है कि मैं हल्का फुल्का अपने फैमिली की हेल्प कर पा रहा हूँ, खर्चों में उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ और अपना पर्सनल खर्चा चला पा रहा हूँ। मैंने देखा कि कोई सेविंग नहीं हो पा रही है। अब एक्चुअली में क्या है कि जब गाँव में थे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब शहर में आया मैंने देखा कि यार मेरे जैसे लोग ही अच्छे अच्छे मकान में रहते हैं, मेरे जैसे ही लोग अच्छी अच्छी कार से चलते हैं, तो मन में एक क्यूरियोसिटी जगी, काश ऐसा मकान अपने पास हो, अपनी फैमिली ऐसे मकान में रहे तो यार कितना बेहतर रहेगा, और फिर ऐसी गाड़ी अपने पास हो, इतनी लग्जरी कार अपने पास हो। चार डालते सबमिट कर लेंगे, सबमिट करते यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालना होता है और ये स्पॉन्सर आईडी हमें उसी महान पर्सन का डालना है जिसके माध्यम से आज हम इस जूम वेबिनार में आए हैं। बगल में हम अपने नाम पे टच करेंगे तो बगल में उन सर का नाम आ जाएगा जिसके साथ हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद अपना खुद का नाम यहाँ पे शुद्ध सही सही डालना है। ईमेल, केवल ईमेल आईडी शुद्ध डालना है सर, अपना एड्रेस, गाँव का नाम उनको जैसे डालेंगे यहाँ पे आ जाता है। एरिया को सिलेक्ट जरूर कर लीजिए, सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आगा, यहाँ पे एग्री करना है, देन सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे कंपनी के माध्यम से आईडी लॉगिन ये जो है दोनों चीजें जाता है, और उसके बाद लेना है मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और हमारी आईडी सेम इसी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम कंपनी के साथ में लाइफ टाइम के लिए वन टाइम किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कैसे बिजनेस पार्टनर बने, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अपने एप्लीकेशन को ऑन करेंगे आपके सामने, और जैसे एप्लीकेशंस को ऑन करेंगे उसके बाद आप देखिएगा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, और यहाँ पे आ रहा शॉपिंग वाला ऑप्शन। शॉपिंग वाले पोर्टल पे हम जाएंगे और यहाँ से कोई भी बिजनेस वॉल्यूम का हमें प्रोडक्ट लेना है, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, यहाँ पे हम ई बुक सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ई बुक में 590 रुपये लगता है और 5 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है क्योंकि हमें बिजनेस वॉल्यूम से मतलब है, तो हम यहाँ पे ई बुक सिलेक्ट किए 590 आपके सामने। यहाँ पे अपना फोन पे ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद सीधा एम पिन डाला, देखते मैंने आपके सामने जो है ये देख सकते हैं आप कंपनी के माध्यम से ये यहाँ हमारा पेमेंट कट भी गया और हम लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन भी गए। तो ये रहा सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस जिस तरीके से लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। अब अगली चीज कहते हैं वो ई बुक हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे दिखाई देगा मोर का ये ऑप्शन है और जैसे हम ऊपर में जाएंगे ये हमारा ईबुक रहा, यहाँ से हम ईबुक देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि कंपनी में कितनी तेजी के साथ में अचीवमेंट आ रहा है, तो माय डियर लीडर ये है अचीवमेंट और आप देख सकते हैं 1-3 दिनों के अंदर में कितने ब्रॉन्ज यानी कंपनी के अंदर में फर्स्ट रैंक को अचीवमेंट किए हुए हैं लगभग 53 लोगों ने। अगर मैं यहीं पर डालूं सर्च करूं सिल्वर तो आप देख सकते हैं माय डियर लीडर, आप देख सकते हैं लगभग 8 लोगों ने सिल्वर रैंक को अचीवमेंट किया है जिनको कंपनी के माध्यम से फंड ये मिलने वाला है। तो ये रहा अचीवमेंट और ये रहा गैलरी का जो है पोर्टल जहाँ पे हम कंपनी की पूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। पीडीएफ वाले फाइल पे टच करेंगे यहाँ से कंपनी की सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों अब देर किस बात की, हम लोगों ने सब कुछ लाइव 6 से 7 अंक का स्पॉन्सर कोड होता है जिसको हम यहाँ पे डाल लेना है जिसके साथ आप बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको इस जूम सेशन में आने का मौका मिला है उनका यहाँ से 6 से 7-8 अंक का स्पॉन्सर कोड लेकर के और यहाँ पे डाल लेना है और उसके बाद अपना नाम, ईमेल, एड्रेस, पिन कोड ये सही से भर लेना है। इसमें जो जरूरी है वो ये है, ईमेल बिल्कुल सही डालना है, ये बात ध्यान रहे, जरा सा भी फॉल्ट ना हो पाए, चूंकि ईमेल आप अगर गलत हो गया तो आप कभी भी कोई इशू आने पे कंपनी को मेल कैसे कर पाएंगे। जहां एड्रेस लिखा है यहाँ पे सिर्फ अपने विलेज का नाम लिख देंगे, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पे देखिएगा पिन कोड हमारा हो गया, सिटी और स्टेट ये डाल करके यहाँ सबमिट करेंगे और आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम बिजनेस की शुरुआत, बिजनेस एसोसिएट लाइफ टाइम के लिए बनेंगे कैसे, वन टाइम 500 बिजनेस वॉल्यूम एक बार करना होता है या इससे ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेकर के लाइफ टाइम के लिए हम कंपनी के साथ बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। साथियों यूटैग में आप देखना, यूटैग के अपने खुद के ब्रांड के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आ चुके हैं,
बैलेंस का भी प्रोडक्ट है जो आ गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेते हुए 500 बिजनेस वॉल्यूम करके लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट यहां से बन जाएंगे। ये हमारी अफिलिएट सर्विसेज। यहां से साथियों लगभग 12 से ज्यादा प्रकार के इनकम हम कर पाते हैं जब आप बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, बिजनेस शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे आप रैंक अचीव करते हैं वैसे वैसे टाइप ऑफ इनकम बढ़ के आती है। जो पूरा बिजनेस है, पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट काम करता है एक सिद्धांत पे, और वो सिद्धांत है लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट। साथियों बिजनेस शुरुआत करते ही हमें सबसे पहले बिजनेस की जानकारी लेना है, कंपनी के प्रोफाइल, सीएमडी, एमडी, इनकम सीखना है। सबसे पहले बिजनेस के तरीके को सीखना है, यूएसपी पूरा याद कर लेना है, सीखना है। और सीखने के लिए यहाँ पे लगातार ट्रेनिंग सुबह और शाम होता ही है। फिर अपने लोगों की मदद करना, उन्हें भी सिखाना है, और बस यही डुप्लीकेट करने से बहुत बड़ी इनकम साथियों यहाँ पे जनरेट होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी है और आपके मोबाइल फोन में भी 200, 400, 500 कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। उनमें से अगर 5 व्यक्ति भी आपके बातों पर यकीन करते हैं और फिर यही डुप्लीकेशन नीचे हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे अर्निंग तो वैसे 20 लेवल तक आ रहा है, 1 लेवल से लेके 20 लेवल तक, लेकिन जो हमने इस पेज में आपको दिखाया वो केवल 10 लेवल तक का है। अगर 1 लेवल से लेके 10 लेवल तक सिर्फ 5-5 की डुप्लीकेशन कराया जाए तो जो इनकम आता है दोस्तों वो 6.1 करोड़ की इनकम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है मैथमेटिक्स, गणित कह रहा है। और गणित ये भी कहता है कि भाई 5 × 5 करेंगे तो 25 ही होगा, 25 × 5 करेंगे तो 125 ही आएगा। ये मैथमेटिक्स कहता है सर। तो अगर टोटल कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो 6.1 करोड़ से ज्यादा का इनकम है तब जब आप 5 को ही बिजनेस के बारे में 5 लीडर ही लेकर के आते। कोई जरूरी नहीं 5, आप यहाँ 15 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। और अगर आप तब डुप्लीकेट करेंगे 10 लेवल तक का तो आप खुद से एक बार अपने कैलकुलेटर से जरूर 10 और 15 का गुणा करके देखना कि कितनी बड़ी इनकम यहां से आ रहा है। साथियों 5-5 की डुप्लीकेशन पे अगर 1 लेवल से लेकर 10 लेवल तक डुप्लीकेट करके अगर 100% कर लिया जाए तो 6.1 करोड़ की इनकम। अगर 10% भी सफलता मिलती है ये डुप्लीकेशन करने में तो 61 लाख की इनकम। अगर 1% भी आप सफल हो पाए ये डुप्लीकेशन करने में तो 6.1 लाख से ज्यादा का इनकम। ये तब था जब 10 लेवल तक का इनकम हम लोग कैलकुलेट किए। लेकिन क्या 10 लेवल तक इनकम आना है? क्या 10 लेवल तक टीम बनेगा? 11 लेवल में भी तो टीम जाएगा ना, 12 लेवल में भी तो टीम जाएगा। और ऐसे करते करते अगर 20 लेवल तक का आप टीम का तो मैथमेटिक्स से अपने गुणा भाग करके निकालिएगा कि कितना इनकम आता है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। साथियों यहाँ पे कोई पैर मैचिंग नहीं करना है और आप डायरेक्ट में जितनी चाहे उतनी डायरेक्ट लाइनें आप खोल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर 15 लोगों को हम बिजनेस के बारे में बताने में सफल हो जाते हैं, आप 15 लोगों को भी बिजनेस के बारे में जैसे बताते हैं 15 लोग, तो आपकी टीम से, आपके ग्रुप से 1% एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है। और इस इनकम का नाम है टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम। इतना ही नहीं, जैसे लेबर वर्ल्ड में आपने 15 लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे तो कंपनी के अंदर आपका पहला रैंक ब्रॉन्ज भी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप 50 लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं अपने लेवल 1 के अंदर तो 1% और एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है। 1% तो यहाँ 15 करने पे आ ही रहा था और जैसे आपने 50 किया तो 1% और आपको एक्स्ट्रा आने लगा, यानी टोटल आप जोड़ेंगे तो 2% एक्स्ट्रा हो गया। यह रहा आपकी टीम से यानी आपके ग्रुप से। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, आप कंपनी की टर्नओवर की भी रॉयल्टी ले पाएंगे 50 डायरेक्ट करने के बाद। जब कभी भी आप 10 दिन के अंदर 10 आईडी लगाते हैं
तो कंपनी के टर्नओवर का 1% आएगा, 10 दिन का कंपनी के टर्नओवर का 1% आपको आने वाला है। ये बिग अमाउंट होता है माय डियर फ्रेंड। अभी पिछले माय डियर फ्रेंड पिछले महीना 21 से लेके 31 तक का लगभग 27 अचीवर रहे हैं, और 11 से लेके 20 तक का भी लगभग 26-27 अचीवर रहे हैं, और 1 से लेके 10 तक का भी लगभग 25 से ज्यादा अचीवर रहे हैं। साथियों कंपनी में कुछ रैंक भी हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, इस टाइप से कुछ रैंक हैं। टोटल 10 रैंक है, जहां पे आपका पहला रैंक ब्रॉन्ज है, दूसरा रैंक सिल्वर है, तीसरा रैंक गोल्ड है, चौथा रैंक प्लेटिनम है, पांचवा रैंक डायमंड। ब्रॉन्ज बनने के लिए हमें लेवल 1 के अंदर 15 लोगों का टीम बनाना है या 7500 बिजनेस वॉल्यूम, तो रैंक ब्रॉन्ज हो जाएगा। लेवल 2 के अंदर अगर आपने 75 लोगों का टीम तैयार कर दिया या 5 ब्रॉन्ज के बराबर बिजनेस वॉल्यूम कर दिया तो रैंक सिल्वर हो जाएगा। गोल्ड बनने के लिए 5 सिल्वर के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 3 में करना होता है। प्लेटिनम रैंक अचीव करने के लिए 5 गोल्ड के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 4 में, जबकि डायमंड बनने के लिए 5 प्लेटिनम के बराबर बिजनेस वॉल्यूम लेवल 5 में। ये तो हो गया रैंक लेने का तरीका। नेक्स्ट, रैंक लेंगे तो मिलेगा क्या? ब्रॉन्ज बनेंगे तो ₹200 का यहाँ पे गिफ्ट रिवार्ड कंपनी के रूप से, कंपनी के तरफ से मिलने वाला है ₹200 का गिफ्ट। और अगर आपने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया तो 1% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आने लगेगा डेली, और 5% भी कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आएगा मंथली। ये जो 5% है ये है रिटेल के ऊपर। इसके साथ में जैसे ही आप गोल्ड बनते हैं तो गोल्ड बनने पे 1.5% कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली, और 6% कंपनी के टर्नओवर की रिटेल पे 6% मंथली 5 तारीख को। अगर प्लेटिनम रैंक आप अचीव करते हैं कंपनी में तो 1.75% ये डेली आने वाला है, और उसके साथ में 5% भी रिटेल के ऊपर आने वाला है मंथली मोड पे 5 तारीख को। टोटल अगर आप जोड़ेंगे रैंक के अंदर तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे 10% है जो कंपनी अपने टर्नओवर की रॉयल्टी दे रहा है डेली। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कंपनी टोटल 29% रिटेल के ऊपर निकाला है, और ये रॉयल्टी इनकम आना है मंथली। ये है रिटेल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उससे बिजनेस वॉल्यूम होता है ना सर, उस बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल इनकम के माध्यम से टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस लेवल के अंदर सपोज दैट किसी ने 1000 वीवी का कोई भी हमारा बिजनेस एसोसिएट पार्टनर प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो जिसने 1000 वीवी का प्रोडक्ट ऑर्डर किया उनको खुद को 5% चला जाएगा, और 25% 1000 वीवी का 25% 250 वीवी हो जाएगा, और इन 250 वीवी इस टीम में 20 लेवल में बटने वाला है, अलग अलग लेवल में अलग अलग परसेंटेज। इसके साथ में देखना 25 और 5 दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा सर, 30%। ये हो गया आपका टीम में डिस्ट्रीब्यूट, और 29% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी जो भी हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, 15% ऑफर में जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम कम्बो या 10000 बिजनेस वॉल्यूम कम्बो प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें कंपनी कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करवाएगी, और 5% रिवार्ड के रूप में भी जाने वाला। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो गया लगभग 79%, और प्लस ब्रॉन्ज को भी जा रहा है, ₹200 जा रहा है ना ब्रॉन्ज को, तो अगर टोटल आप जोड़ेंगे तो लगभग 80% पैसा कंपनी रिटेल पे भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये हो गया माय डियर फ्रेंड रैंक और फंड। रिटेल पे भी कंपनी ने टैबलेट, मोबाइल, बाइक, कार और हाउस रिवार्ड फंड रखा हुआ है। 1% कंपनी अपने टर्नओवर का 5 तारीख को देने वाली है रिटेल पे। इसके साथ में जो हमारा बिजनेस एसोसिएट बनते हैं
वहां से जो टर्नओवर आने वाला है वहां से भी माय डियर फ्रेंड ये आपने को फंड मिलेगा। यानी यूं कह ले कि अगर कोई भी साथी सिल्वर रैंक को अचीव करते हैं तो उनको 5,000 रुपया कंपनी देने वाली है टेबलेट रिवार्ड फंड के रूप में, और ये पेमेंट मंथली मोड पे आता रहेगा। रॉयल्टी तो आएगा ही 1% जो है डेली और 5% मंथली मोड पे। हमसे कोई भी साथी अगर गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो उन्हें 21,000 रुपया मोबाइल रिवार्ड फंड और उसके साथ में 1.5% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली और 6% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम मंथली गोल्ड रैंक अचीव करने को। इसके साथ में दोस्तों एक मिनट रुकिएगा सर, ये क्या हो रहा है, एक मिनट आप सभी रुकिएगा सर जी प्लीज। तो हम चर्चा कर रहे थे माय डियर फ्रेंड कि हम ऐसे अगर कोई भी लीडर्स प्लेटिनम रैंक को अचीव करेंगे तो कंपनी जो है एक बार जो अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के अंदर फ्लाइट से बुलाया जाएगा। प्लेटिनम रैंक को अगर अचीव कर लेते हैं तो जो भी कंपनी के अंदर प्लेटिनम रैंक अचीवर रहेंगे उन्हें कंपनी फ्लाइट के माध्यम से एनिवर्सरी प्रोग्राम में बुलाने वाली है। साथ में 1.75% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी डेली और 5% मंथली। इसके साथ जब आप प्लेटिनम रैंक को अचीव कर लेते हैं तो बाइक रिवार्ड फंड 1.5 लाख रुपया 1,50,000 रुपया मिलने वाला है मंथली मोड पे। जैसे ही आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं साथियों, डायमंड रैंक को जैसे ही आप अचीव करते हैं तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आज एक कार रिवार्ड फंड मिलने वाला है डायमंड रैंक अचीव करते ही, और इसके साथ में 3% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम मंथली और जबकि 2% कंपनी की टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली। इसके साथ में जो भी साथी डायमंड के बाद वाला रैंक अचीव करेंगे तो उन्हें 21 लाख रुपया एज ए हाउस रिवार्ड फंड मिलने वाला है मंथली मोड पे। साथियों अगर कोई भी डायमंड रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी उन्हें एक बार विदेश जाने का भी मौका देगी, मतलब आप सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेश भी घूमने का मौका मिलेगा, कंपनी के माध्यम से विदेश भी घूमेंगे। साथियों यूटेक की तरफ से कई बार अपने इंडिया में घूमने के लिए ऑफर आया है, अभी पिछली बार कुल्लू मनाली जो है काफी लीडर्स ने एंजॉय किया, उससे पिछली बार जयपुर राजस्थान दिल्ली लगातार कंपनी प्रोग्राम रख रही है। अभी कटनी मध्य प्रदेश में भी प्रोग्राम होने वाला है अगले महीना 10 सितंबर को कटनी मध्य प्रदेश में प्रोग्राम होने वाला है, और फिर उसके अगले महीना अक्टूबर में 8 अक्टूबर को लखनऊ में भी प्रोग्राम होने वाला है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे प्रोग्राम कर रही है और हम सबको घूमने का मौका मिल रहा है आप सबको, और अब इंडिया ही नहीं विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। अगर आपने डायमंड रैंक अचीव कर लिया तो अपना पासपोर्ट बनवा लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पूरे कंपनी के अंदर जितने भी यूजर्स काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं उनमें से 50 ऐसे लोगों का सिलेक्ट करने वाली है जिनका 1 लेवल से लेकर 20 लेवल तक यानी 20 लेवल का बिजनेस टर्नओवर सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे 50 लोगों को कंपनी सेलेक्ट करके और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेस्टिक ट्रिप देने वाली है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए करना क्या है, बहुत आसान है। बिजनेस का स्टार्टअप करते ही शुरुआत करते ही 40 से 50 लोगों का लिस्ट तैयार करना है और उन्हें जूम ऐप के बारे में बताना है। जो भी साथी आपके साथ बिजनेस में आते जाएं उन्हें भी यही कहना है। अब अगर हर लीडर को वाकई सफलता सच में इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 3 महीने तक लगातार सुबह और शाम
ट्रेनिंग और मीटिंग में आते रहना। साथियों, अब हम सभी लोग आप सबके बीच में जो है एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करेंगे आप सबके बीच में जो प्लेटिनम रैंक पे हैं, और आज सर का हम लोग देखेंगे लाइव विड्रॉल। आज से हमारी और आपकी तरह सबने बिजनेस प्लान को देखा और बिजनेस शुरुआत किया, और आज सर का इनकम क्या रहा है, और अभी सर ने हाल ही में विड्रॉल लगाया था, आज फिर विड्रॉल लगाने वाले। सामान्य कृष्णा सर, आपका स्वागत है, आइए सर और हम सभी साथियों के बीच में लाइव विड्रॉल करके दिखाइए। सो प्लीज वेलकम, कैरी ऑन कृष्णा सर। थैंक यू श्रीमान डायमंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे अपलाइन गुरु, इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम कृष्णा सिंह प्रजापति और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे डायमंड सर ने बताया, कुछ दिन पहले मैंने ये बिजनेस आपकी तरह ही वेबिनार में आया, सिस्टम को समझा और स्टार्टअप किया था ओनली 500 बिजनेस वॉल्यूम से, और जो अभी आप सर ने प्लान दिया था रिगार्डिंग, इस प्लान को पूरा समझा देखा, उसके अंदर मेरे को सबसे अच्छा लगा था इसके अंदर फैमिली फैसिलिटी, जो ब्रॉन्ज बनते ही किसी भी कंपनी में कहीं नहीं मिलता है, यहाँ पे सबसे अच्छा मेरे को लगा। उसके बाद मेरे को लगा इंस्टेंट पेमेंट, जैसे ही हम किसी का आईडी लगाते हैं उसका तुरंत इंस्टेंट पेमेंट आता है और तुरंत इंस्टेंट अपने बैंक में ले जा सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने विड्रॉल तुरंत विड्रॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ मेरा जर्नी है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। यह है यूटेक बिजनेस, इसको जैसे टच करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा पासबुक, ये पासबुक है, पासबुक को टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी साथी फेसबुक व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो अपना स्क्रीन पे आ जाएं। स्क्रीन पे आ जाएं, यह है आज का डेट, और से वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सुबह से लेके अभी तक का कितना इनकम आया आपके सामने से होगा, ये देखिए सुबह से अभी तक का इनकम। लाजवाब सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर, सुबह से अब तक। अब देख लेते हैं कल 1 तारीख था, कल 1 तारीख का भी देख लेते हैं कि कल 1 तारीख को कितना इनकम आया था, ये देखिए कल का इनकम। सुपर सर, सुपर सर। अब देख लेते हैं पिछले मंथ का यानी अगस्त मंथ का टोटल इनकम कितना हुआ है, अगस्त मंथ का इनकम देख लेते हैं। ये है अगस्त मंथ, अमेजिंग लाजवाब सर, क्या बात है सर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनकम सर, 92,000 से ज्यादा, वाओ। ओनली 590 रुपए लगाने का गलती किया था, एक बार किसी दिन लिया था 590 रुपए लगाने का गलती किया था, उसी की बदौलत ये है, देखिए 92,000 से प्लस। अब देख लेते हैं विड्रॉल अमाउंट कितना है, अभी आपके सामने देखिए विड्रॉल अमाउंट है 10,000 से प्लस है अभी। अब आपके सामने जिसको रिकॉर्डिंग करना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन पे आ जाइए, मैं अमाउंट डालता हूँ 10,000। बेस्ट है, अब प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, अंडर मेंटेन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे। यस सर, यस सर, बाद में कर लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, कंटिन्यू कैरी ऑन करें सर। थैंक यू वेरी मच सामान्य सर। तो दोस्तों देखिए सर, अभी 10,000 रुपया सर के वैलेट में हो गया है, अभी हाल ही में सर ने विड्रॉल करके दिखाया भी था। साथियों फटाफट स्क्रीन के ऊपर आ जाइएगा, ये देखना सर, ये यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है जिसको हम ओपन करके आप सबको दिखाने वाले हैं। ये देख सर, पासबुक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ से हम लोग इनकम देख पाते हैं कि इनकम कैसे आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ इनकम देख पाएंगे पिछले महीने का 1 तारीख से लेकर के आज तक का यहाँ सर्च हो गया है। अब मैं दोबारा रिसर्च कर दूंगा, क्योंकि ये इनकम हो गया 31 और 2, 33 दिन का इनकम शो करके आएगा। प्लीज वेट चल रहा है, बैक करेंगे तो बैक भी नहीं होगा, थोड़ा देख ही लेते हैं। 33 दिन का इनकम,
834,000। यस माइंड ब्लोइंग इनकम सर, माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त सर, इस बार डेट सही से डाला गया है। जल्दबाजी में पिछली बार इधर का डेट हम लोग डालना भूल गए, तो इधर दो डाला था, दो का इंक्लूडेड इनकम दिखाया है। पिछले महीने लगभग 7,000-67,000 के नियर अबाउट इनकम रहा है, यहाँ सर छो करके अभी आ जाएगा, ये देखिएगा 7,67,000। वाओ सर, क्या बात है सर, 7,67,000 सर, जबरदस्त। इतनी बड़ी इनकम लेने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब आप आज ही बिजनेस शुरुआत करेंगे और आज से ही लाखों में आने लगेगा। ये बिजनेस है, एक प्रोसेस है। माय डियर फ्रेंड, मुझे 2 साल हो गया इस बिजनेस की शुरुआत किए हुए और ये मेरा अभी तक का हाईएस्ट पे आउट है विद इन 1 मंथ। और इतना पे आउट अभी महंगाई के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई की जो अभी प्रेजेंट में जो इनकम चाहिए सन 2025 में जो करंट में इनकम चाहिए वो लगभग कितना चाहिए सर? 5 लाख। सन 2020 में 1 लाख, 2.5 लाख चाहिए। तो सन 2040 में कितना हो जाएगा सर? 10 लाख। 30 में कितना रहेगा? 5 लाख, यानी 2.5 लाख करंट के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई के रेशियो को टच करने के लिए लगभग 2.5 लाख से प्लस अमाउंट चाहिए सन 2025 में। सन 2025 में जो भी साथी यहाँ पे 2.5 लाख रुपया महीने का अर्निंग करेंगे वो महंगाई के रेशियो को पार कर चुके होंगे, मतलब वो जिंदगी काटेंगे नहीं, जिंदगी जी पाएंगे, हर जरूरत की चीजें ले पाएंगे, कोई भी चीज बहुत महंगी नहीं दिखाई देगी। और अभी चल रहा है सन 2023, सन 2023 में ही यहाँ 6-7 लाख रुपए इनकम आ रहा है, देख पा रहे हैं? ये टेक की ताकत है माय डियर फ्रेंड। और आप में से जो भी लीडर्स, ये मिशन अपना टारगेट बना लीजिए कि सन 2025 तक हर हाल में अपने को डायमंड बनना है बस। और डायमंड रैंक पे आप आने के बाद माय डियर फ्रेंड, जो रॉयल्टी है, जो रिवार्ड है, सब मिला के 2.5 लाख-3 लाख-4 लाख रुपया महीने का इनकम आना तय है। अभी क्या मेरा टीम थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसलिए इनकम थोड़ा बड़ा अमाउंट में आता है। साथियों, सवाल यह है कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैसे, 500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे कहाँ से? यह है शॉपिंग का ऑप्शन और इसमें सर्विस भी मिलेगा, ईबुक भी मिलेगा और इसमें प्रोडक्ट भी मिलेगा। कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट इस शॉपिंग वाले ऑप्शन से लेकर के 500 बिजनेस वॉल्यूम का या इससे ज्यादा का प्रोडक्ट लेना होता है। वन टाइम लेकर के आप लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन जाएंगे। तो पहला जरूरी हो गया हमारे लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम करना। और क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? और चाहिए आपके पास पैन कार्ड, क्योंकि आप भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आप कोई भी बिजनेस लीगल, अगर बिजनेस आप कोई भी करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई भी हो, तो उसके लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना जरूरी है। तो यूटेक क्या है? एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिजनेस आप तभी शुरुआत कर पाएंगे जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि यूटेक एक लीगल प्लेटफॉर्म है। 500 बिजनेस वॉल्यूम और पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना चाहिए इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, जो उम्मीद है आपके पास तीनों होगा। आप बिजनेस एसोसिएट आप बन गए, सर्विसेज कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे सर्विस, यूटेक सर्विस लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है रिचार्ज और बिल के नाम से। इसको आप ओपन कर लेंगे, इसको आप ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आप यहाँ से एड मनी कर पाएंगे। यह है एड मनी का ऑप्शन साथियों, यहाँ से एड मनी हम कर सकते हैं। एड मनी करना बिल्कुल आसान है, एड मनी पे आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे। सपोज दैट आपको 600 रुपए का एड मनी करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 600 अमाउंट डालेंगे, 700 एड मनी करना है, 1000 एड मनी करना है, यहाँ पे 50 रुपए से लेके आप 5000 तक एक बार में एड मनी कर पाएंगे। 50 रुपए से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 5000। देखना सर, मैंने 600 अमाउंट डाल दिया, प्रोसीड करूंगा एड मनी के लिए तो यहाँ से आप देखना यूपीआई का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप एड मनी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप कैंसिल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और अगर एड मनी करना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा।
मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, देखना यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ ऊपर वाला दबा लेते हैं, ऊपर वाला क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर दिया ऊपर वाला, यहाँ डाल देंगे यूपीआई आईडी जो भी आपका है। जो भी आपका यूपीआई आईडी है आपने डाल दिया, मान लीजिए आपने फोन पे का यूपीआई आईडी डाल दिया, या गूगल पे का डाल दिया है, या पेटीएम का डाल दिया है, प्रोसीड करेंगे ये डायरेक्टली आपका यूपीआई ऑप्शन यहाँ ओपन होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी यूपीआई आपके डिवाइस में चल रहा, अगर कोई आप यूपीआई नहीं चलाते हैं तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आएगा। एक भी अगर यूपीआई चलाते हैं तो एक ही ऑप्शन आएगा, दो चलाते हैं दो आएगा। मेरे में इतना सारा है इसलिए सब आ गया है। हमने फोन पे का यूपीआई आईडी डाला था इसलिए हम फोन पे वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। मुझे एड मनी करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे वैलेट में लगभग 32,000 रुपया है, कोई एड मनी करने का हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हम एड मनी आपको सिर्फ करने के लिए दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। यस, अब यहां से प्रोसीड करेंगे और फिर आप अपना यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन आप जैसे डालेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे देखना सर पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से। और फिर वो पैसा कहाँ से होगा, जो भी आप एड मनी करेंगे यहाँ से वो पैसा पासबुक के अंदर शो होने लगता है। अब ये बात ध्यान रहे कि आप और हम अभी यूपीआई से एड मनी कर रहे हैं और यूपीआई है मैनुअली। कंपनी पेमेंट हमारा चेक करेगी, वेरीफाई करेगी और हो सकता है इसमें 10-15 मिनट या आधा घंटा का समय लग जाए यहाँ पासबुक में आने में, आपके वैलेट में आने में। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1-2 घंटे का, फिर आप यहाँ से आप रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या अदर कोई भी सर्विस आप यूज कर पाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए अपने को रिचार्ज करना है तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पे यहाँ टच करेंगे। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे ऑपरेटर जो भी हमारा वोडाफोन है या जियो है या एयरटेल है ये ऑटोमेटिक सर्च होके आ जाएगा। कहाँ पे सर्च होके आ जाएगा सर, ऑपरेटर में। और फिर सर्किल में आप जो है हम लोग ये डाल लेंगे, जैसे ऑपरेटर में इतना सारा हो गया और सर्किल में आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटक है ना, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल, वेस्ट बंगाल, ये सब उत्तर प्रदेश ईस्ट है ना, ये सब पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सर्किल में डाल लेंगे। फिर अमाउंट नहीं भरना, अमाउंट यहाँ अपने मन से नहीं डालना बिना ब्राउज प्लान देखे। पहले ब्राउज प्लान देख लीजिए, जो आपको पसंद आए वो रिचार्ज करिए, या तो आपको पता हो। कई बार क्या, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं 149 का रिचार्ज, अब 149 का इसमें ब्राउज प्लान में है ही नहीं। यस, अब रिचार्ज महंगा हो रहा है ना धीरे धीरे धीरे। अभी तो 5G आ गया है, आने वाले दिन में सब 6G आएगा, फिर 7G आएगा, तब रिचार्ज ये 200-250 में नहीं होगा, 1000-1000 रुपए का, 5000-5000 रुपए का एक एक महीने का रिचार्ज होगा। वो महंगाई का दौर आएगा सन 2030 और सन 2040 में, आप देखना। यही रिचार्ज एक महीने का अनलिमिटेड करवाने के लिए 1000 रुपए आप लगाएंगे सर, तब एक महीने का अनलिमिटेड होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से देखना साथियों, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। अब बारी है डीटीएच रिचार्ज करने की। डीटीएच रिचार्ज यहाँ से आप टच करेंगे और आप अपना डीटीएच रिचार्ज भी आप कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, कई बार कैशबैक तुरंत आ जाता है, कई बार 2-4 मिनट बाद कैशबैक आता है, यहाँ से वो दिखाई देता है। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड इसके अंदर, ये देखना सर, आज मैंने 4:24, 4:26, 4:27 तीन बार हमने रिचार्ज किया, 155 का दूसरे नंबर पे एयरटेल पे, और 155 का हमने रिचार्ज किया वोडाफोन पे, और 155 का ही रिचार्ज किया हमने वोडाफोन पे। तीन बार हमने रिचार्ज किया अलग अलग सिम पे, अलग अलग नंबर पे। तीनों बार हमारा रिचार्ज यहाँ पे तो पेंडिंग लिख के आ गया, लेकिन उधर जब मैंने उससे फोन करके पूछा कि भाई आपका रिचार्ज हो गया क्या, तो बोले हाँ मेरा तो रिचार्ज हो गया। अच्छा, अब ये रिचार्ज मैंने किया 4:27, 4:26, आप देखना एक कैशबैक तो आ गया तुरंत। 4:27 पे हमने किया, 4:27 पे ही कैशबैक आ गया तुरंत। लेकिन एक कैशबैक हमारा आया 4:32 पे, दो कैशबैक हमारा आया ये वाला। तो हो सकता है कि कई बार 5-7 मिनट का समय लग जाए, उसके लिए आप वेट करना सर जी, ठीक है। अब
ये वाला जो ऑप्शन है एड मनी का और रिचार्ज का, उस वाले ऐप में रेफर का भी ऑप्शन आएगा। ये 100 पीस है केवल, यहां से रेफर नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। यहां से नहीं करेंगे तो करेंगे कहां से, बताता हूं सर। जो हमारा यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन है ना, यूटेक बिजनेस का, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर रेफर का ऑप्शन आता है, यहां से आप रेफर करिए। जिसमें विड्रॉल का ऑप्शन लिखा रहता ना, वहां से अपने को रेफर करना है। मान लीजिए अगर हमारा कोई भी साथी गूगल प्ले स्टोर पे अगर सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप यूटेक डाल के सर्च करेंगे, सर यहाँ दो ऐप आपको दिखाई पड़ेगा, दो ऐप। एक तो ये हो गया अपना यूटेक बिजनेस और दूसरा हो गया रिचार्ज बिल वाला। अगर किसी को आईडी बनाना है, विड्रॉल लगाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वैलेट टू वैलेट पैसा भेजना है, तो हमें यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, यही है। रिचार्ज और बिल और एड मनी करना है तब हमें ये सर्विस वाला ऐप डाउनलोड करना है। लेकिन कोई भी नया साथी का अगर आप आईडी बनवा रहे हैं, ग्रीन करवा रहे हैं, कोई भी नया न्यू मेंबर का, तो सबसे पहले आप यही ऐप डाउनलोड कराइए, यूटेक बिजनेस। देन आफ्टर वो सर्विस वाले लिंक पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके वो अपना डाउनलोड कर लेंगे। यस, अब मान लीजिए किसी को ये चेक करना है कि आज पूरे कंपनी में कितने अचीवर निकले हैं, तो अचीवमेंट वाले ऑप्शन में जाकर के आप देख पाएंगे कि सर आज सुबह से लेकर के अभी तक का एक दिन में, सर आज का केवल आज क्यों है, लगभग 17 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज रैंक को अचीव कर लिया। लगभग 17 से ज्यादा लोगों ने कंपनी में किस रैंक को अचीव कर लिया सर, ब्रॉन्ज रैंक को। अभी आज ही की बात चल रहा है ये, और मैं आपको बताऊं इस महीने के दो दिन में, कल और आज मिला के देखना सर, कल और आज मिला के आप देखना मेरे भाई, लगभग 3 से ज्यादा लोगों ने कंपनी के अंदर सिल्वर रैंक को अचीव कर लिया है। अब जो लोग सिल्वर रैंक अचीव करते हैं उन्हें उन्हें क्या मिलता है सर, 5000 टैबलेट रिवार्ड, 1% CTO डेली, 5% CTO मंथली मिलता है कि नहीं? यस सर। अच्छा गोल्ड भी देख लीजिए, ये देखिए सर, 3 लोग तो गोल्ड अचीवर भी आ गए इसी महीने 2 दिन के अंदर, तो रिकॉर्ड हो रहा है सर, सितंबर महीना रिकॉर्ड बन रहा है माय डियर फ्रेंड, ये देखना 3-3 लोग गोल्ड अचीवर आ गए हैं दोस्तों। अच्छा आप गोल्ड रैंक अचीव करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 21,000 सर, वो हम लोग प्लान में समझ लिए हैं। यस ऑलरेडी हम सब लोगों ने प्लान में समझ लिया है, 6% CTO मंथली, 1.5% CTO डेली और 21,000 रुपए मोबाइल रिवार्ड फंड, ये गोल्ड रैंक पे मिलने वाला है। तो मेरे भाई फटाफट सिल्वर और गोल्ड ब्रॉन्ज रैंक आप निकालिए, अपने अपलाइन के साथ प्रॉपर प्लानिंग करिए, टीम के साथ प्रॉपर प्लानिंग करिए। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी हम लोगों ने समझ लिया है, एक और विशेष जानकारी खास करने लोगों के लिए जिन्होंने भी हाल फिलहाल में बिजनेस स्टार्टअप किया है, ये ऑप्शन आप क्लिक कर करके देखा करिए दिन में 2-3 बार। आपके साथ अगर कोई भी आईडी लगा रहा है तो आपका लेवल 1 में यहाँ टीम दिखाई देगा और उनके नीचे भी आप व्यू डिटेल क्लिक करके देख पाएंगे कि उनका टीम कितना बना है। ये है टीम ट्री व्यू, आपका नेटवर्क दिखाता है यहाँ से बिजनेस वॉल्यूम दिखाता है, जहां से आप प्रमोशन देख पाएंगे कि आपका प्रमोशन में कितना बिजनेस वॉल्यूम कम है, कितना हो चुका है। ये रहा दोस्तों आज कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, पूरा बिजनेस प्लान, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए, आईडी कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लाइव इनकम प्रूफ, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब जरूरत है माय डियर फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करने की, करना क्या है, तुरंत लगाइए फोन अपने अपलाइन को, जिनके भी माध्यम से आज आपको इस बिजनेस प्लान को देखने समझने का मौका मिला है उनके पास तुरंत फोन करिए, 6 से 7-8 अंक का स्पॉन्सर कोड लेकर के आज ही बिजनेस शुरुआत करिए दोस्तों, आज का आज और अभी का भी बिजनेस स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि कल सुबह के 7 बजे की मॉर्निंग की ट्रेनिंग में वो शामिल हो पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेशन चलता है, लेकिन इस ट्रेनिंग में वही लोग आ सकते हैं जो इस कंपनी के साथ बिजनेस एसोसिएट बन चुके हों। तो देर किस बात की, उठाइए फोन, लगाइए अपने अपलाइन को। तो आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक, अब दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय यूटेक, मिलते हैं सुबह 7।
कोई आपका अलादीन का चिराग नहीं, लेकिन एक बार आप शुरुआत करते हैं, एक बार अगर आपने यहाँ पे लग के मेहनत कर ली और तीन महीने तक लगातार आपने जूम में टेंडे, तो उसके बाद सारा काम इस प्लेटफॉर्म का है, ये सारा प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाता है। आपने वही नॉर्मल सा काम अपने मोबाइल को यूज करते हुए और शानदार तरीके से आपको इसमें शुरुआत करनी है। अब बस साथियों आपको यहाँ पे लग जाना है और मैं आपकी मदद कर पाया हूँ शानदार इस प्लेटफॉर्म की जो ताकत को आपके सामने रखने में। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और आज ही सभी लोग, आप जो भी साथी ने आज आपको इन्वाइट किया है, उनसे उनका स्पॉन्सर आईडी लेते हुए शानदार तरीके से अपनी शुरुआत करते हुए जल्दी से जल्दी अपनी इन आर्थिक बंदिशों को दूर करते हुए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक शानदार आपके सामने यूनिक जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आया है, इसमें शुरुआत कीजिए। और आप सभी के इस शानदार स्नेह के बीच में मैं आप सभी से अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा और माइक को हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी गोल डायरेक्टर राजकुशल सर। अगर आप कंफर्ट है हमारे बीच में आए सर और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर, साथियों सम्मानीय सर के माध्यम से आज हम सभी लोग ने इंडिया के नंबर वन बिजनेस प्लान के पूरे प्लान के बारे में जाने सीखे। साथियों सम्मानीय सर ने पहली स्लाइड में जो यूनिक सेलिंग पॉइंट बताया साथियों, वाकई में आज इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर यूनिक सेलिंग पॉइंट देखते ही बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर रहे, पलक झपकते तुरंत स्टार्ट कर रहे। जैसे पहली स्लाइड में साथियों पलक झपकते अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जहाँ पे कोई मेंटेनेंस की झंझट नहीं है, कोई कैपिंग मैचिंग नहीं है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है साथियों जहाँ पे एक आईडी एक्टिवेट करके तुरंत अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, 190 से लेके 2 लाख से प्लस एक बार में विड्रॉल कर सकते हैं। साथियों इतना जबरदस्त यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि आज टॉप मोस्ट लीडर ओनली यूनिक सेलिंग पॉइंट देखते बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों आइए अगली कड़ी में हम सभी लोग के बीच कंपनी के प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय कृपा राम सर है, तो वेलकम है सम्मानीय सर आए और अपने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किए थे जरूर हमारे सभी साथियों को 2-4 मिनट का समय दे, तो वेलकम है सम्मानीय सर। सम्मानीय थैंक यू वेरी मच सम्मानीय राजकिशोर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पे बोलने का और ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से हमारे बहुत सारे साथी आज इस जूम वेबिनार में आकर के और यूटेक के पूरे बिजनेस प्लान को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। साथियों बस अब एक डिसीजन लेने की जरूरत है क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले जिस तरीके से आपने इस जूम वेबिनार में आकर के यूटेक के पूरे बिजनेस प्लान को देखा है और समझा है, ऐसे मैंने भी 2 साल पहले आकर के देखा और समझा और देख करके दोस्तों मैंने डिसीजन लेने में देरी नहीं की, तत्काल मैंने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा था, तो देखो हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ शुरू होती है। मेरी भी खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई थी। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 10+2+ ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया और पढ़ाई करने का एक ही मकसद था दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव सारे लोग एक ही चीज बोलते थे कि बेटा अगर अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे नंबर्स लेके आओगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी के प्रति ज्यादा इंडिकेशन दिया गया था, इसलिए दोस्तों मैं नौकरी के लिए मतलब पढ़ाई कर रहा था कि मुझे जिससे कि नौकरी मिल जाए। ग्रेजुएशन रनिंग में मेरा चल रहा था उस टाइम, मेरे घर की कंडीशन भी थोड़ा नाजुक हुई और हाई स्कूल फाइनल करने के बाद बहुत सारे कंपटीशन के मैंने एग्जाम भी दिए और एक ऐसा समय आया कि 2 बार कंपटीशन तो मैंने बीट कर लिया लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पिताजी ना तो भाई साहब डोनेशन दे पाए ना उनका कोई सोर्स था। और डोनेशन क्यों नहीं दे पाए, उनका सोर्स क्यों नहीं था, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एज ए फार्मर एक किसान थे और आप जानते हैं कि एक किसान का काम क्या होता है, सुबह खेतों में जाता है, पूरे दिन काम करता है, शाम को घर लौट के आता है। तो मेरे पिताजी जैसे तैसे मेहनत करके खेतों में काम करके हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट ग्रेजुएशन कर ही रहा था जब घर की कंडीशन देखा कि अब आगे पैसे मुझे मिल नहीं पाएंगे पढ़ाई करने के, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे कोई जॉब करना चाहिए क्योंकि उस टाइम एज भी मेरी 18 से प्लस हो चुकी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अब जॉब करना चाहिए। मैंने अपने काफी मित्रों से संपर्क किया जो हमारे गाँव के हमारे और रिलेटिव के जो लोग बाहर में रहते थे उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया कि यार मेरा भी कोई काम दिलाओ, एक्चुअली मैं मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, कोई ऑफिशियल काम दिला दो। अब आप खुद ही सोच सकते हो दोस्त कि बाहर में कोई दिल्ली मुंबई पंजाब जैसे सिटी में जा करके और वहाँ पे 12 घंटे की हार्ड
वर्क कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए ऑफिशियल काम कहाँ से खोज सकता है। तो मैं एक्चुअली मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि शायद कोई दिला दे, तो कोई भी फ्रेंड मुझे जॉब नहीं दिला पाया। एक हमारे और फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़े थे इंटर तक, और उसके बाद वो लखनऊ हाई कोर्ट में आकर के एक वकील साहब के साथ काम कर रहे थे, एज ए क्लर्क का काम वो कर रहे थे, मुंशीगिरी कर रहे थे। उनसे भी संपर्क किया क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं, घर का कुछ कंडीशन उन्होंने सुधारा है, तो मैंने सोचा कि हाईकोर्ट में भी अगर काम मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कुछ भी यार, मुझे भी यार काम दिलाओ यार। अब तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर लो यार, अगर आना ही हाई कोर्ट के अंदर तो ला कंप्लीट करके आओ। लेकिन अब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे तो मैं कैसे वो ला कंप्लीट कर लूं। तो मैंने काफी रिक्वेस्ट किया, तो खैर उन्होंने यस कर दिया। फिर मैं लखनऊ हाई कोर्ट में आया उनके साथ, और फिर उन्होंने काम वगैरह मुझे दिखाया। तो मेरे लिए बड़ा हार्ड लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नया काम था। मैंने पढ़ाई तो की थी, अब वो पढ़ाई थ्योरेटिकल जो मैंने पढ़ाई की थी, बीएससी की थी, वो अलग थी, और ये ला की मतलब नॉलेज अलग थी, कानूनी जानकारी मुझे कोई थी नहीं। तो इसलिए मुझे एक महीना दोस्तों लगा वहाँ पे उनके साथ मुझे काम सीखने में, क्योंकि एक महीना मैंने खूब लगन से, खूब मेहनत से मैंने सीखने पे फोकस किया, तब एक महीने में मैं सीख पाया कि क्लर्क का काम कैसे करना है। अब आप पूछिएगा दोस्तों, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि क्लर्क यानी मुंशी का काम करने के लिए भी मेरे को एक महीना सीखना पड़ा। जब एक महीने मैंने लगातार उनके साथ खूब मेहनत की, खूब फाइलें मैंने ढोई, कई सारे ऑफिस के सेक्शन वगैरह होते हैं उनमें जाने की कोशिश किया और खूब पढ़ने की कोशिश किया, तब जाके ये समझ में आया, कुछ हद तक मैं 25% काम करने के काबिल बना। फिर उसी हाईकोर्ट में एक अच्छे लायर से मेरी बात करवा दिया हमारे उस मित्र ने, और उनके साथ फिर मैं काम करना शुरू कर दिया एज ए क्लर्क की पोस्ट पे, और उनके फिर ऑफिस चैम्बर में भी जाने लगा। और मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी एडीसी कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली में स्टोनों का काम उनके घर पे करने का मिल गया। तो एक तो हाईकोर्ट में क्लर्क का काम और साथ में उनके चैम्बर में स्टोनों का काम, ये दोनों काम करने से मेरे को 25,000 से 30,000 रुपये महीने की इनकम होने लगी। दोस्तों जब मैं स्टडी कर रहा था, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो माइंड सेट जो था ना, बस इतना ही था कि 25-30 हज़ार की जॉब मिल जाए, और उसी के लिए मैं ट्राई भी कर रहा था। मैं बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, सिर्फ वही 25-30 हज़ार नौकरी के लिए। लेकिन जब 25-30 हज़ार हाईकोर्ट में काम करने के दौरान मुझे आने लगे, तब भी मैं देखा कि यार जिंदगी तो मस्त चल ही नहीं पा रही है। हाँ, कुछ खाली थोड़ा सा ये हो पाया है कि मैं हल्का फुल्का अपने फैमिली की हेल्प कर पा रहा हूँ, खर्चों में उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और अपना पर्सनल खर्चा चला पा रहा हूँ। मैंने देखा कि कोई सेविंग नहीं हो पा रही है। अब एक्चुअली में क्या है कि जब गांव में थे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब शहर में आया, मैंने देखा कि यार मेरे जैसे लोग ही अच्छे अच्छे मकान में रहते हैं, मेरे जैसे ही लोग अच्छी अच्छी कार से चलते हैं, तो मन में एक क्यूरियोसिटी जगी, काश ऐसा मकान अपने पास हो, अपनी फैमिली ऐसे मकान में रहे तो यार कितना बेहतर रहेगा, और फिर ऐसी गाड़ी अपने पास हो, इतनी लग्जरी कार अपने पास हो। चार ओटीपी डालते सबमिट कर लेंगे, सबमिट करते यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालना होता है, और ये स्पॉन्सर आईडी हमें उसी महान पर्सन का डालना है जिसके माध्यम से आज हम इस जूम वेबिनार में आए हैं। बगल में हम अपने नाम पे टच करेंगे तो बगल में उन सर का नाम आ जाएगा जिसके साथ हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद अपना खुद का नाम यहाँ पे शुद्ध सही सही डालना है। ईमेल, केवल ईमेल आईडी शुद्ध डालना है सर, अपना एड्रेस, गाँव का नाम, तुमको जैसे डालेंगे यहाँ पे आ जाता है। एरिया को सिलेक्ट जरूर कर लीजिए, सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आगा, यहाँ पे एग्री करना है, देन सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे, कंपनी के माध्यम से आईडी लॉगिन ये जो है दोनों चीजें जाता है, और उसके बाद लेना है मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, और हमारी आईडी सेम इसी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम कंपनी के साथ में लाइफ टाइम के लिए वन टाइम किसी भी प्रोडक्ट को लेके कैसे बिजनेस पार्टनर बने, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अपने एप्लीकेशन कौन करेंगे आपके सामने, और जैसे एप्लीकेशंस को ऑन करेंगे उसके बाद आप देखिएगा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, और यहाँ पे आ रहा शॉपिंग वाला ऑप्शन। शॉपिंग वाले पोर्टल पे हम जाएंगे और यहाँ से कोई भी बिजनेस वॉल्यूम का हमें प्रोडक्ट लेना है, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो। यहाँ पे हम ई बुक सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ई बुक में 590 रुपये लगता है और 5 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है, क्योंकि हमें बिजनेस वॉल्यूम से मतलब है। तो हम यहाँ पे ई बुक सिलेक्ट किए, 590 आपके सामने यहाँ पे अपना फोन पे ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद सीधा एम पिन डाला। देखते मैंने आपके सामने जो है ये देख सकते हैं आप, कंपनी के माध्यम से ये यहाँ हमारा पेमेंट कट भी गया और हम लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन भी गए। तो ये रहा सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस जिस तरीके से हम लाइफ टाइम के लिए बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। अब अगली चीज कहते हैं वो ई बुक हमारा यहाँ पे आता है,
यहाँ पे दिखाई देगा मोर का ये ऑप्शन है, और जैसे हम ऊपर में जाएंगे ये हमारा ईबुक रहा, यहाँ से हम ईबुक देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि कंपनी में कितनी तेजी के साथ में अचीवमेंट आ रहा है, तो माय डियर लीडर ये है अचीवमेंट, और आप देख सकते हैं एक 3 दिनों के अंदर में कितने ब्रॉन्ज यानी कंपनी के अंदर में फर्स्ट रैंक को अचीवमेंट किए हुए हैं लगभग 53 लोगों ने। अगर मैं यहीं पर डालूं सर्च करूं सिल्वर, तो आप देख सकते हैं माय डियर लीडर, आप देख सकते हैं लगभग 8 लोगों ने सिल्वर रैंक को अचीवमेंट किया है, जिनको कंपनी के माध्यम से रेट फंड ये मिलने वाला है। तो ये रहा अचीवमेंट, और ये रहा गैलरी का जो है पोर्टल, जहाँ पे हम कंपनी की पूरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। पीडीएफ वाले फाइल पे टच करेंगे, यहाँ से कंपनी की सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, हम लोगों ने सब कुछ लाइव